नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दुर्ग से बड़ी खबर के साथ। दुर्ग में व्यापारी का लाखों का सोना पार। सुपेला के लक्ष्मी मार्केट से वारदात हुई जहां पर गाड़ी से चोरों ने सोना उड़ा लिया। सीसीटीवी की जांच पुलिस कर रही है, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं जहां व्यापारी का लाखों का सोना चोरों ने चुरा लिया। सुपेला के लक्ष्मी मार्केट में इस वारदात को अंजाम दिया गया है जहां पर गाड़ी से चोरों ने सोना चोरी कर लिया। सीसीटीवी की जांच की जा रही है, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए रीनू, ये पूरा मामला जो है वो भिलाई के लक्ष्मी मार्केट में है जहाँ पर एक व्यापारी जो था वो दुपहिया वाहन में कुछ सोना रखा हुआ था और उसको भूख लगी, वो एक होटल में गया और वहां पर दुपहिया वाहन खड़ा करके वो अंदर चला गया। उसके बाद जब वो आकर देखा तो उसका दुपहिया वाहन गायब था और उसके अंदर रखा सोना भी उसके साथ चला गया। काफी तलाश करने के बाद जब कहीं उसके ऊपर नहीं पता चला तब उसके बाद में उसने पुलिस की शरण ली, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इसके बाद में पुलिस अब तलाशी में जुट गई है। लाखों का सोना बताया जा रहा है जो वो रखा हुआ था, क्योंकि वो व्यापारी था इस वजह से वो सोना लेके कहीं जा रहा था, लेकिन उसको वो बीच रास्ते में कहीं उसको भूख लगी तो वो भोजन करने के लिए रुक गया और उसी दौरान ये घटना हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और ये कोशिश कर रही है कि कौन है अज्ञात और किस तरह से वो उसने वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल पूरे मामले में सुपेला पुलिस जांच कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई, आरोपी की तलाश कर रही है। सारंगढ़ से खबर है जहां बिलाईगढ़ में स्कूल को धमकी मिली है। 3 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है जहां पर बोईडीह में ब्लैक बोर्ड पर लिखी है धमकी। सरकारी स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर धमकी लिखी गई है, 15 अगस्त से पहले फटेगा बम, 3 स्कूल तैयार रहे। दहशत में गाँव के लोग है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और ये देखिए स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड है उसमें ही धमकी लिखी गई है। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, कोई जानकारी मिल पाई कि किसने ये लिखा है ब्लैक बोर्ड पर? हाँ जी बिल्कुल, आपको सारंग बिलाईगढ़ जिले की जो पूरी घटना है, जो स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ये पहला मामला है जो स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है अज्ञात आरोपी द्वारा। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं गांव के सभी स्कूलों को नष्ट करूंगा, चाहे प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर स्कूल हो, ये तीनों स्कूलों को नामों से इनका जो निशान है पूरी तरह से उठा दूंगा। अरे जो बम है 15 अगस्त से पहले फटेगा, तीनों स्कूल तैयार हैं, ऐसा अज्ञात आरोपी द्वारा लिखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर आसपास के गाँव के लोगों का हड़कंप मच गया है और पुलिस वहां मौके पर मौजूद है कि अज्ञात आरोपी कौन है और आरोपी का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही, क्योंकि बम से उड़ाने का पहला मामला है और पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई कि आखिरकार किसने ये धमकी लिखी है ब्लैक बोर्ड पर। बालोद से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर के फार्म हाउस में मिली खून से लथपथ लाश। जी हां, 50 साल के बुजुर्ग की लाश मिली है जहां धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या करने की आशंका जताई गई है। मृतक कोटेरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। टोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के कोटेरा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर है बालोद से जहां पर बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर के फार्म हाउस में खून से लथपथ लाश मिलने का मामला सामने आया है और जो मृतक है उसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। बुजुर्ग है जिसकी धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई है। गरियाबंद में बुलडोजर एक्शन लिया गया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंचा निगम का बुलडोजर, जहां निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स हटाने पहुंचा प्रशासन का अमला। राजीव एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। राजीव नगर पंचायत का मामला है, अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन से जवाब समय मांगा, 3 दिन की मोहलत मिली है। बड़ी खबर है गरियाबंद से जहां पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंचा है निगम का बुलडोजर, निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स हटाने पहुंचा है प्रशासन का अमला। राजीव एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन से समय मांगा है, 3 दिन की मोहलत दी गई है। क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि पे कुछ अतिक्रमण किया गया है जिसकी शिकायत हुई थी और जांच करने पे पाया गया कि शासकीय भूमि ही है और उनको पहले नोटिस दिया गया था जिन्होंने कब्जा किया है और इस अतिक्रमण के परिप्रेक्ष्य में उनको सीएमओ द्वारा पूर्व में नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन जारी रखा गया
जिसे रोकने के लिए आज प्रशासन के द्वारा उनको तोड़ने का मुहिम की गई। तोड़ने के बाद उनको ये बताया गया है कि बस स्वयमेव या तो अपने कंस्ट्रक्शन हटा लें और उसको खाली कर दें, क्योंकि वो आगे चल के अन्य शासकीय पर्पस के लिए यूज होने का है। तो अगर वो खुद नहीं हटाते हैं तो फिर से प्रशासन के द्वारा कार्यवाही कर उसे हटाया जाए। राजिम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि तहसील कार्यालय के कुछ दूर पर देखिए कि कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और नगर पंचायत का ये मानना है कि ये शासकीय भूमि पर बना है, इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसको लेकर जो है आज बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंची थी एसडीएम के मौजूदगी पर, और जब कार्रवाई हो रहा था उस दौरान जो है जो निर्माण करने वाले लोग हैं उनके द्वारा समय मांगा गया है, और अगर उस समय के अंतर्गत ये अगर वैध दस्तावेज इसके संबंधित प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी कार्रवाई रोक दिया गया है और यहां पर इस कॉम्प्लेक्स को अवैध बताकर नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, और अब जो है काफी बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल मौजूद रही है। अब देखने होंगे कि क्या इनके पास वैध दस्तावेज होते हैं, नहीं तो एसडीएम ने ये कहा है कि अगर ये सही जवाब या वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो एक अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।